Today we will deal with our new topic, that is anti-venom. Anti-venom. Anti means opposite, that is against. Venom means poison. So anti-venom is a drug which is given to act against the poisonous substance which has already entered into our body. The only available treatment against snake bite is the uses of anti-venom. तो अगर कभी स्नेक बाइट हो गया जिसके कारण पॉइजन ऑलरेडी एंटर हो चुका है बॉडी में, तो उस के ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसको वो पॉइजन के इफेक्टनेस को रिड्यूस करने के लिए एंटीवेनम ड्रग यूज़ करते हैं. द फर्स्ट एंटीवेनम फॉर स्नेक्स वॉज डेवलप्ड बाय अल्बर्ट कैलमेट अगेंस्ट द इंडियन कोबरा. तो फर्स्ट एंटीवेनम जो है अल्बर्ट कैलमेट के द्वारा बनाया गया था अगेंस्ट द इंडियन कोबरा. हेयर इज़ द मिल्किंग ऑफ स्नेक वेनम. तो स्नेक के वेनम को कैसे रिमूव करके उसको जो उसको कैसे रिमूव करते हैं. द स्नेक्स हेड इज़ ग्रास बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थम. एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन स्नेक्स जॉ. द फैंग्स आर पुश्ड थ्रू अ प्लास्टिक पैराफिल्म मेम्ब्रेन. द वेनम इज स्क्वीज्ड आउट एंड कलेक्टेड. तो फर्स्ट क्या करते हैं, जो स्नेक का हेड रहता है वो इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ पकड़ते हैं. उसके बाद वो जो जॉ है स्नेक्स का, जो जॉ है वहाँ पे टाइट से पकड़ के उसको स्क्वीज करते हैं. कहाँ पे स्क्वीज करते हैं, एक प्लास्टिक पैराफिल्म मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, उसको टाइटली प्रेस करते हैं ताकि जो वेनम है पॉइजन जो है स्नेक में वो स्क्वीज आउट हो जाए. सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द मिल्किंग ऑफ स्नेक्स फॉर एंटीवेनम. हाउ द पर्सन इज होल्डिंग द स्नेक विथ हिज इंडेक्स फिंगर नियर द जॉ एंड हाउ ही इज स्क्वीजिंग द वेनम फ्रॉम द स्नेक्स. तो ये देखो यहाँ पे पर्सन कैसे वो इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ स्नेक को पकड़ा है और वो स्नेक का जो वेनम है पॉइजन है उसको कैसे स्क्वीज आउट करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मिल्किंग ऑफ स्नेक्स फॉर वेनम. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटी वेनम. तो पहले वाले स्लाइड में हम देखे थे कि वेनम कैसे स्क्वीज आउट किया जाता है स्नेक्स से. सो हियर इज द मिक्सचर ऑफ वेनम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वेनमस स्नेक्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ हॉर्स और गोट और शीप. द ब्लड विथ एंटीबॉडीज आर कलेक्टेड, दैट इज एंटी वेनम. तो एंटी वेनम कैसे आपको मिल सकता है, जब बहुत सारे स्नेक्स के जो वेनम्स पॉइजन्स क्या करते हैं, एक हॉर्स गोट या फिर शीप के बॉडी में उसको डालते हैं. डालने के बाद जो स्नेक्स का जो पॉइजन है वो हॉर्स के ब्लड में या फिर शीप गोट के ब्लड में मिक्सअप होने के बाद उस ब्लड को रिमूव करते हैं और उसको एंटी वेनम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. सो हियर इज़ दी हाउ एंटी वेनम इज़ प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट, स्नेक एंटीवेनम इन इंडिया. नाउअडेज पॉलीवेलेंट स्नेक एंटीवेनम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. तो जो पॉलीवेलेंट एंटीवेनिन, तो पॉलीवेलेंट स्नेक एंटीवेनम है, ये एक एंटीवेनम है जो कि स्नेक बाइट के अगेंस्ट दिया जा सकता है. तो इसका नाम है पॉलीवेलेंट एंटीवेनिन. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्नेक एंटीवेनम इन इंडिया. तो ये प्लेसेस है जहाँ पे एंटीवेनम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट हैफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई. तो ये दो जगह है जहाँ पे एंटी वेनम बनाए जाते हैं. हियर इज द पिक्चर हाउ द एंटी वेनम इज प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एंटी वेनम. मेडिसिन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिन्स आर यूज टू ट्रीट ब्रेन इंजुरीज एंड स्ट्रोक्स. तो ब्रेन इंजुरीज और जो स्ट्रोक्स है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है. हीमोटॉक्सिन्स आर यूज टू ट्रीट हार्ट अटैक्स एंड ब्लड डिसऑर्डर्स. तो हीमोटॉक्सिन्स जो है वो हार्ट अटैक्स या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जा सकता है. एंटी कैंसर एक्टिविटी. स्नेक वेनम ऑल्सो लोअर्स डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैंसर सेल बाय एपोटोजेनिक इफेक्ट. तो जो कैंसर सेल्स, जो कैंसर अब्रप्टली ग्रो कर रहे हैं कोई पर्सन के बॉडी में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, मीन्स कैंसर के सेल को इनएक्टिवेट करने के लिए आप एंटी वेनम ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं. एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी. स्नेक वेनम एंजाइम्स रिमूव फिब्रिनोजन फ्रॉम द सर्कुलेशन विदाउट कन्वर्टिंग इट टू फिब्रिन. वेनम्स विथ एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिवली स्टडी फॉर पॉसिबल मेडिकल एप्लीकेशंस. तो ये एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज, तो ये एंटी वेनम जो है ये एंटी कोएगुलेंट का भी प्रॉपर्टी है. ये वैसे भी वर्क कर सकता है, जैसे कि फिब्रिनोजन को क्या करता है, उसमें से
स्नेक वेनम के एंजाइम्स से फिब्रिनोजेन को रिमूव करता है विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू फिब्रिन. तो इन दिस वे इट एक्ट्स एज ए एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट विल डील विद द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी वेनम. तो साइड एंटी वेनम के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, रेडनिंग ऑफ स्किन, स्वेलिंग ऑफ आइज एंड फेस एंड फीवर. तो पर्सन में क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, स्किन जो है वो रेड कलर हो जाएगा, आइज भी जो है स्वेलिंग हो सकता है, फेस फीवर, ये सॉरी फीवर होगा पर्सन को, या फिर फेस भी क्या है स्वेल हो जाता है. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी वेनम. नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स. तो जो जॉइंट्स पार्ट्स है वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहेंगे. नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी वेनम. हियर द टॉपिक एंड्स रिगार्डिंग द एंटी वेनम. थैंक यू.